आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, जो कि मैं देखिए ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कितनी पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई थी। यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए टोटल सात सीट्स यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे वैकेंसीज हैं, चार UR के लिए है, एक OBC के लिए, एक EWS, एक SC के लिए। यहाँ पे आपका पे लेवल आपका लेवल 6 आपका रहने वाला है। देखिए कुल मिला के आपको देखिए XCT के अंदर देखिए 68,000 कुछ सैलरी आप लोग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप उसके नीचे आप यहाँ पर आइएगा तो देखिए आपको यहाँ पे नोटिस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो आपको देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर OA मतलब ऑफिस असिस्टेंट Grade 1, इसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए यहाँ पे खुलेगा। मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपको बैचलर डिग्री आपको मांगा गया है। यहाँ पे सिंपल किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ है तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे ठीक है, ऊपर में आपको सारा चीज़ बता दिया गया है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, स्टेप वन दो स्टेप पे आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नेम अपना नाम डालना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट नेम आप डालिएगा, फिर मिडल नेम, लास्ट नेम। जैसे आपका नाम शुभम कुमार है तो आप यहाँ पे शुभम डालिएगा, लास्ट नेम में कुमार डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर जेंडर आपको यहाँ बताना होगा। यहाँ पे ठीक है, जेंडर के अंदर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपको बताना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए अपना फोटो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको फोटो का गाइडलाइंस आप लोग को यहाँ पे नीचे दिया गया है। फोटो मस्ट भी देखिए 300 पिक्सल से आपका यहाँ पे विड्थ होना चाहिए और 400 पिक्सल आपका यहाँ पे हाइट होना चाहिए और 100 KB से कम आपका यहाँ पे साइज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक मिनट रुक जाइए। देखिए जैसे आप क्लिक कीजिएगा देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। आप लोगों जहाँ भी फोटो आपका रहेगा वो उसको सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आप लोग को यहाँ पे डालना है। इसके ऊपर जैसे ड्रॉप योर इमेज हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जहाँ भी फोटो रहेगा आप वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। इसका भी देखिए आपको सेम मांगा गया है। यहाँ पे देखिए 300 पिक्सल आपका विड्थ होना चाहिए और 100 पिक्सल आपका यहाँ पे हाइट मांगा गया है और 100 KB से कम आपका यहाँ पे मांगा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस आपको मांगा गया है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब आपका यहाँ पे वर्तमान पता कंप्लीट आपको एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि आप एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे कहाँ पर रहते हैं, स्ट्रीट का नाम आप बता दीजिए यहाँ पे, उसका कौन से शहर आपको यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना होगा। यहाँ पे इंडिया आपका देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसका भी यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेट को बताना होगा कौन से स्टेट से आप यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार लिख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिटी के अंदर आप यहाँ पे पटना लिख दीजिए, जहाँ पे जो भी आपका सिटी आपका है वो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए डेमो बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर एक मिनट रुक जाएगा, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे सिटी और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ पे देखिए जिप पोस्टल कोड मतलब आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना होगा जो आपका एरिया का। उसका परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पे है। परमानेंट एड्रेस के अंदर यहाँ पे देखिए आपका स्थायी पता होता है। दोनों अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक कर देगा तो ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा यहाँ पे, आपको वापस से भरने का जरूरत नहीं है। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ देखिए आपको अपने क्लास 10th के मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कीजिए। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे आपका जन्म हुआ, जैसे मेरा बिहार के अंदर पटना में हुआ था, पटना में लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका फिर बात कर रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल, यस आपको यहाँ पे यस करना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसका फिर आर यू पर्सन हैविंग माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर किसी अदर स्टेट से आपके मतलब कि अदर कंट्री से आए हुए हैं यहाँ पे माइग्रेटेड, तो यहाँ पे बेसिक आपको नो करना है। उसके फादर्स में आपको यहाँ पे डालना है, फादर का ऑक्यूपेशन मतलब कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं वो आपको बताना होगा यहाँ पे। उसका फादर का एड्रेस आपको बताना होगा, जो आपका एड्रेस रहेगा वही आपका एड्रेस यहाँ पे होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मदर्स नेम आप लोग को यहाँ डालना होगा। फिर मदर का ऑक्यूपेशन जैसे हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और मदर का एड्रेस देखिए सभी जगह एड्रेस आपका सेम रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इज और वॉज योर फादर या मदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एंड यस यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इज और वॉज योर फादर या मदर हैव माइग्रेटेड, यहाँ पे पाकिस्तान से माइग्रेटेड ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं तो इसको नो कर दीजिए। यहाँ पे टोटल इनकम ऑफ योर फैमिली पर मंथ, आपके फैमिली के पर मंथ कितनी इनकम आप लोग की है यहाँ पे वो आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेट योर रिलीजन, आप लोग का अपना रिलीजन बताना होगा, जैसे कि हिंदू हो गया ये सब वो आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, हिंदू सिख मुस्लिम जो आपका है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे फिल कीजिएगा मतलब लिखिएगा। उसका कास्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, SC ST से, आपको जो भी यहाँ पे है आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसका फिजिकली चैलेंज है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर आप विडो डाइवोर्स मूवमेंट हैं और जुडिशियली मतलब कि लिए हुए हैं सेपरेटेड हो चुके हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। EX सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद फिर वेदर अंडर गोइंग एनी कोर्स, कोई किसी कोर्स के अंदर आप ये मतलब कोई कोर्स कर रहे हैं अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है उसके अगर आप कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मांगा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कौन सा गिवन डिटेल्स ऑफ योर स्टडीज़, आप किस कोर्स के अंदर यहाँ पे अभी आप परस्यूइंग हैं वो आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा। अगर आप नहीं है सारा कोर्स आपका ख़त्म है तो यहाँ पे बेसिक नो कर दीजिए यहाँ पे।
उसके आप यहाँ पे बात करते हैं, कुछ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले आपका क्लास टेंथ का मांगा गया है, फिर आपका क्लास ट्वेल्थ मांगा गया है, फिर आपका यूनिवर्सिटी मतलब कि आपका ग्रेजुएशन का मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, नेम ऑफ द बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, कौन से बोर्ड से अपना किया है, जैसे मैं बिहार बोर्ड से किया हूँ या फिर सीबीएसई से किए हैं, तो आपको वो लिखना होगा यहाँ पे। कितना परसेंट मार्क्स आपको यहाँ पे आया है, कितना डिवीजन मार्क्स आपको यहाँ पे आया है, कौन से साल आप पास किए हैं और कौन कौन सब्जेक्ट आप लोग का उसके अंदर था, जो आपके मार्कशीट के ऊपर रहेगा वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसी प्रकार से आपको देखिए सारा चीज़ आपको यहाँ पे ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन का फिल कर देना है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पे डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये आपको भरने का जो आप लोग का नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद फिर आप कौन कौन सा लैंग्वेज वाला आपको देखिए भरना होगा, किस लैंग्वेज के अंदर जानकारी आपको है, जैसे कि लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे मांगा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश पूछा गया है, इंग्लिश हिंदी बंगाली, तो आपको देखिए यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। आप इंग्लिश बोल सकते हैं देखिए, उसके बाद फिर स्पीक ओनली, उसके बाद फिर यहाँ पे रीड एंड स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे ठीक है, रीड राइट एंड स्पीक यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे तीनों यहाँ पे सब जगह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्पीक ओनली इसको यहाँ पे नहीं भी सेलेक्ट कीजिएगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, इन दोनों को नहीं कीजिएगा, सीधा आप इसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए रीड राइट एंड स्पीक, मतलब सभी के लिए आपको यहाँ पे बोलने सुनने और लिखने के अंदर कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद फिर अगर कोई एग्जामिनेशन पास किए हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, मतलब कि डालिएगा इफ एनी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा आप हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, उसका फिर जैसे आपको है जिस सुविधा के हिसाब से आपको यहाँ पे है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका फिर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको यहाँ पे फिल कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस आप लोग को मांगा नहीं गया है। उसका फिर आप कहीं भी अभी करंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट में है, वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको जानकारी देना होगा, नो करते हैं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम इनिशियल पे ऑफर, मिनिमम से मिनिमम आपको देखिए जो आपका यहाँ पे आपका रहेगा वो आप लेना चाहेंगे कि नहीं ले जाएंगे। बेसिक यहाँ पे देखिए नो से बढ़िया है यहाँ पे यस कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ये सारा चीज़। उसका इफ सेलेक्टेड व्हाट नोटिस वुड यू रिक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब कि आपको कितना समय आप लोग यहाँ पे चाहिए कि मतलब कि ज्वाइनिंग के लिए, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो तुरंत मतलब इमीडिएट, 1 month, 2 month, 3 month, बेसिक आप यहाँ पे 1 month सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा समय आपको क्यों क्या लीजिएगा वहाँ पे। उसका फिर आपके कोई रिलेटिव हैं जो काम कर रहे हैं NCSM के अंदर तो यहाँ पे बेसिक नो कर दीजिए, अगर आप काम करते हैं तो यस कीजिएगा और उनका जानकारी दीजिएगा। उसका फिर आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया, आप इंडिया के अंदर सभी जगह काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप बेसिक यस कर दीजिए यहाँ पे। उसका फिर रेफरेंस की देखिए आप लोग यहाँ पे रेफरेंस डालना होगा यहाँ पे, उसका फिर ये क्या आपका रेफरेंस के अंदर क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो कोई रिसेंट एम्प्लॉयर आप लोग का है तो उसकी जानकारी आपको देना है यहाँ पे, जैसे कि आपको अपना नाम माफ़ कीजिएगा, आप जैसे कि जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ पे वर्क कर रहे हैं करेक्टर के लिए, बेसिक ही आपका एप्लीकेंट का करेक्टर को चेक करने के लिए यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे कि एक एग्जांपल के लिए जैसे कॉलेज का यहाँ पे आप डाल सकते हैं, किसी टीचर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पे डालिए आप यहाँ पे, ये बेसिक आपका करेक्टर को चेक करने के लिए आपका यहाँ पे रहता है। इसके अलावा कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग का नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और एड्रेस, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे फिल कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ फिल करने का देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग क्लास टेंथ का यहाँ पे आप डाल दीजिए, यहाँ पे आप क्लास टेंथ का डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जाम, आपको क्लास टेंथ का यहाँ पे मार्कशीट डाल दीजिए, उसके बाद फिर क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपको डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी को कन्फर्म कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको ये कैप्चा कोड आपको जो आपका यहाँ पे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 10-1, 10-1 यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ बताना है यहाँ पे 10-1 क्या होता है, तो यहाँ पे आपको लिख टाइप कर देना है। फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके आपको टोटल प्रीव्यू किया आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप देखिए प्रीव्यू कीजिएगा तो जितना भी चीज़ आपने अभी तक फिल किया होगा वो सारा चीज़ आप लोग के यहाँ पे आ जाएगा। आगे आप एक एक चीज़ को बढ़िया से चेक कर लीजिए, कोई गलती है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जैसे आप प्रीव्यू के ऊपर कीजिएगा वहाँ पे आपको देखिए सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको देखिए पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट पेमेंट कीजिएगा आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। बेसिक आपका यही था, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन मिलेगा आगे जाके और पेमेंट का। देखिए यही कंप्लीट प्रोसेस था आप लोग का यहाँ पे, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।